कितनों को बताएं कि वो लड़ा आने वाला है और हम क्या है उसकी, क्या है हम उसकी, जो भाई लोग हैं वो तो कहेंगे हम तो लाड़ा हैं, हम लाड़ी थोड़ी हैं। हाँ भाई लोग क्या सोचेंगे, हम तो भाई लाड़ा हैं, हम लाड़ी थोड़ी हैं, लाड़ी तो इधर है। सुनो, मसीह में चाहे कोई स्त्री है चाहे मर्द है, लेकिन हम एक एक थी, हम सब क्या हैं, सब एक समान एक दे हैं मसीह की। और दूल्हा कौन है, दूल्हा कौन है, यीशु है, और वो आने वाला है। कितनों को बताए, कितनों को बता कि वो आने वाला है दूल्हा, और हम उसकी लाड़ी हैं। और जिस लाड़ी की तैयारी नहीं है, कैसे गा रहे थे, लाड़ी ने खिंचियां तैयारियां, जिस लाड़ी की कोई तैयारी नहीं, कुछ कोई लाड़ी अपने आप को चेक करे, जैसे बाइबल में लिखा अपने आप को परखो, चेक करो, है तो लाड़ी, मगर वो लाड़ी अपने आप को चेक करे कि मेरी, जैसे मतलब जैसे किसी लड़की की शादी है, तो जिस लड़की की शादी है उस खुद की, उस लड़की की और उस घर वालों जो उसकी फैमिली है, उनकी तैयारी कितने महीने पहले शुरू हो जाती है कि नहीं हो जाती, उनकी तैयारी क्यों हो जाती, पहले शुरू हो जाती, और वो जब तक शादी नहीं हुई तब तक उसमें लगे रहते, आज ये लेकर आओ वो लेकर आओ, ये सामान लेकर आना, ये करना वो करना है, हाँ वो लगे रहते हैं, क्या रहते हैं। और एक हम लाड़ी है उसकी, जिन्हें कोई पता नहीं कि वो आने वाला है, बोलो क्या है, वो आने वाला है और हम उसकी लाड़ी है और हमें कुछ पता नहीं, बोलो क्या है, हमें कुछ पता नहीं। मुझे पता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें कुछ पता ही नहीं, इसलिए परमेश्वर ने कहा मेरी प्रजा किसके बिना नाश हो रही। बहुत सारे लोग तो इसलिए आए हैं कि बस मेरा ये काम है, मेरा मुझे चंगियाई मिल जाए, ये हो जाए। देखो भाई क्यों नहीं मिलेगी, चंगियाई भी मिलेगी, आशीष भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, पर पहले सत्य को तो जानो, उसकी सच्चाई को तो समझो, बोलो क्या है? क्योंकि ये बहुत बड़ी भेद की बात है, बोलो क्या है, ये बहुत बड़ी भेद की बात है। इसलिए परमेश्वर ने कहा मेरी चाहत है कि सब मनुष्य बचाए जाएं, किस चीज से, किस चीज से, हाँ उस जीवन के उस पाप से जो शुरू में हुआ, ताकि वो लोग उद्धार पाए और मेरे स्वर्ग का वो अधिकारी बने। उसकी चाहत है कि सब मनुष्य बचाए जाएं और मेरे सत्य के ज्ञान तक पहुंचे। आमीन। तो ज्ञान क्या है, क्योंकि परमेश्वर एक ही परमेश्वर है, एक ही प्रभु है। यीशु ने आकर कहा जीवन भी मैं हूं, रास्ता भी मैं हूं, सच्चाई भी मैं हूं, बिना मेरे वसीले कोई भी उस पिता को मिल, रास्ते तो संसार में बहुत है, लोग कहते हैं जी सब कहां पे जाते, बोलो क्या है, संसार का ज्ञान है कि सब रास्ते तो वहीं पे जाते, किसी को भी मानो कुछ भी करो, पर जीसस ने आकर लोगों को कहा जीवन मैं हूं, रास्ता मैं हूं, सच्चाई मैं हूं, मेरे बगैर कोई भी उस पिता के पास जा नहीं सकता, क्या नहीं जा सकता, उस पिता के पास कोई जा नहीं सकता, समझ रहे हो। और वो यीशु दूल्हा है, बोलो क्या है, हम उसकी लाड़ी हैं। अगर हमें ये सत्य का पता नहीं, ये सच्चाई का, तो हमारी कोई तैयारी नहीं, क्योंकि वो आने वाला है, बोलो क्या है, क्या है, बोलो, वो आने वाला है। जब आप उसकी, इसीलिए लिखा ना, ढूंढो उसकी सच्चाई को, समझो क्या करो, उसमें ढूंढो उसको, समझो उस सच्चाई को कि हम लोग कौन है। ऐसे नहीं कि हम बीमार हैं इसलिए आए हैं, ऐसे नहीं है कि हम परेशान हैं, हाँ बोलो क्या, सिर्फ ये नहीं कि हम बीमार हैं परेशान हैं इसलिए आए हैं, और भी है कुछ, ये तो सिर्फ आपकी बीमारी, आपकी प्रॉब्लम सिर्फ एक बुलाहट है, क्या है बोलो, ये सिर्फ एक बुलाहट है ताकि आप किसके पास आ जाओ। मुझे पता अगर आप कितने लोगों को एक भी बंदा खड़ा, हाथ खड़ा करके कहे कि मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बस ऐसे ही आया, एक भी बंदा अगर कहे, एक भी जन अगर आप में से कोई कहे मुझे मेरी कोई प्रॉब्लम, मैं तो परमेश्वर को पाने के लिए आया। आज जितने भी आप बड़े बड़े पास्टर सेविक देख रहे हो, इनकी बैकग्राउंड की, इनकी स्टोरी देखो,
इनका जीवन आपसे भी ज्यादा खराब था। आज खुदा ने उन्हें शाइन किया, चमकाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने किसकी बातों पे ध्यान दिया, किसे समझा। और वो आपको भी चमकाना चाहता है। बोलो क्या है? इसलिए यीशु मसीह ने कहा तुम ज्योति हो। क्या कहा? तुम ज्योति, पर ये ज्योति बुझी हुई। क्यों? क्योंकि इन्हें कुछ पता नहीं। समझ आ रही? एक भी बंदा अगर कहे कि मैं परेशान, ये सिर्फ एक बुलाहट है ताकि आप किसके सत्य को जान लो। एक दिन मैं भी ऐसे आया था। हाँ बोलो। मेरी बुलाहट भी ऐसे थी। मैं भी, अगर मेरे जीवन में यीशु मसीह ना आते तो मैं आज से बहुत साल पहले मेरी डेथ हो जानी थी। बोलो क्या है? तो मरने से अच्छा है कि जिसने जीवन दिया हम उसके लिए, उसकी इच्छा को पूरा करें, उसके लिए जिए। बाइबल में अगर आप 1 कुरिन्थियों 5:14 पढ़ो तो वहां पे ऐसे लिखा है, जो सबके लिए मरा। क्या मरा? आगे को अपने लिए नहीं, उसके लिए जियो। आगे को अपने लिए नहीं, क्योंकि वो इसलिए मरा और इसलिए मुर्दों में से जी उठा ताकि आपको जीवन दे, क्योंकि वो जीवन का करता है, वो जीवन लेकर आया आपके लिए। अगर आपको समझ नहीं है किसके पास है जीवन और हमने किसके लिए जीना है, हाँ बोलो। कितने लोग हैं? बोलो क्या? कितने लोग हैं जो परेशान है मगर सत्य को जानकर भी वो उस तरीके से वो जी नहीं रही जैसे उसने बुलाया है। क्या बोलो? जिस तरीके से उसने बुलाया उस तरीके से अभी वो जी नहीं पा रहे लोग। समझ आ रही है? समझ आ रही है? अगर मुझे, मैं इसलिए मैं खुदा के उपकार को कभी भूलता नहीं हूं कि मैं, मुझे याद है और मैंने जब जी प्रेयर की थी यही चीज से। हाँ अभी कितने सारे लोग हैं जो अभी प्रेयर में नहीं आए, अभी भी आते होंगे। मैंने की प्रेयर, मैंने कहा था। हाँ बोलो क्या है? आपको पता नहीं है, क्योंकि एक दास, एक अगुआ जो खुदा ने उसे अपने काम के लिए ठहराया, उसके मुंह से शब्दों को जब आप रिसीव करते हो आपके जीवन कैसे बदलते हैं आपको पता नहीं। बोलो क्या? अगर आपको पता है, हाँ आप थोड़े चले आओ, क्या होगे? थोड़े चले आओगे कि मैंने उनके मुंह से आज जो परमेश्वर ने, हाँ जो परमेश्वर ने आज उनके मुंह से जो मेरी आशीष के लिए, मेरे छुटकारे के लिए जो शब्द देने, मैंने भाई लेना है। आए भी जरूर हो, बोलो आए भी जरूर हो, पर कम फायदा ले रहे हो। फायदा तो मिलेगा मगर कम ले रहे हो। आप बुद्धिमान हो तो आप समझो मैंने पूरा फायदा लेना है कि कम लेना है। बोलो क्या है? अगर आप बुद्धिमान हो तो आप फायदे की चीज को समझो कि मैंने पूरा फायदा लेना, मैंने कम नहीं लेना। समझ आ रही है? इसलिए एक बात तो ये है अपने जीवन के लिए और दूसरा उस जीवन के लिए जो हमें स्वर्ग में वो देने वाला है। बोलो क्या है? अगर अभी आप अपनी सिर्फ नीड्स, अपनी जो जरूरतें उसके लिए उस हिसाब से नहीं जी रहे हो तो स्वर्ग की तैयारी आपकी कैसी होनी चाहिए? बोलो क्या है? फिर स्वर्ग की तैयारी आपकी कैसी होनी? अभी तो आप फिजिकल जो आपकी नीड्स हैं, जो जरूरतें उसके लिए आप आ रहे हो। अभी स्वर्ग की तैयारी के लिए हमें कुछ और भी करना है। अभी तो फिजिकल नीड्स के लिए मैं बता रहा हूं कि किस तरीके से परमेश्वर के पास आना है। हाँ समझ आ रही है? समझ आ रही है? इसलिए अपने आप को समझो। बोलो कभी कभी चेक किया करो, बैठकर कभी सोचा करो। बोलो क्या है? संसार में वो पोस्टर बने ना, वो बहुत पॉपुलर हुआ था एक पोस्टर, ऐसे करके एक लड़की थी, वो पता नहीं उसका, मैंने तो कभी फेस ही पता नहीं है भी है कि कैसा, कि वैसे ही उसने ऐसे अपने घुटनों में ऐसे फेस लिया और उस पर लिखा कदी कल्ली बैकी, और इतना वो पोस्टर पॉपुलर हुआ था, इतना ज्यादा संसार में। समझ आ रही है? कभी अपने आप को भी सोचो बैठकर आराम से कि मैं उसकी लाड़ी हूं, मेरी क्या तैयारी है, मैं क्या कर रहा हूं, कर रही हूं। समझ आ रही है? सो इन बातों में आपने बढ़ना है। बोलो क्या है? आप ये नहीं कि आप परेशान हो, ये सिर्फ एक आपकी बुलाहट है। अभी आप उसको समझो, आगे हो तो समझो, ऐसे नहीं बस आगे बैठ के चलेंगे, आगे आके समझो। बोलो क्या है? समझो। इसलिए लिखा ढूंढो, क्या करो? मांगो भी और ढूंढो, दोनों चीजें ढूंढना पड़ेगा कि जीवन है इसमें, क्या क्या है इसमें। हाँ क्योंकि ये जो बाइबल है,
जो पवित्र वचन है परमेश्वर का, ये परमेश्वर की सांस से रिचा गया। मैंने बताया था, इस थर्सडे बताया था, कितने लोग थर्सडे की मीटिंग में आए थे, हाथ खड़ा करो जो थर्सडे की मीटिंग में आए थे। तो कुछ लोग हैं, बाकी तो काफी थे, बाकी पता नहीं कहां है। अभी उनको पता आज प्रभु भोज है। क्या है आज? आज प्रभु भोज है। और मैंने बताया भी था, शायद ऑनलाइन जो लोग हैं उनको मैंने नहीं बताया क्योंकि मैं भूल गया, तब हमने ये लाइव बंद कर दिया। तो मैंने जो जहां पे थर्सडे की मीटिंग में आए थे, मैंने कहा था उनके संडे प्रभु भोज। देखो इंसान कैसा है, बोलो। मैंने बताया भी प्रभु भोज सब आना बताए, हाँ सुना है, पर मर्जी अपनी। बाइबल बताती है आगे को अपने लिए नहीं, किसके लिए जियो। अगर आप प्रभु भोज में नहीं शामिल हो रहे, यीशु मसीह की देह के सहभागी नहीं बन रहे, तो स्वर्ग के अधिकारी कैसे बन पाओगे? अगर उसकी देह के सहभागी नहीं बन रहे, तो स्वर्ग के सहभागी, स्वर्ग के अधिकारी कैसे बनोगे? बताओ उन्हें कि आज प्रभु भोज है, मैंने लेना है। बोलो क्या है? प्रभु भोज है और मैंने लेना है। और ये कोई संसार की ऐसे रीति नहीं है। बोलो क्या है? ये संसार की कोई रीति नहीं है कि जो नए लोग हैं, जो आज कितने लोग आज पहली बार आए, आज जो आप में से कितने हाथ खड़ा करो जो आज आए, उनको तो मैं जानता हूं। आप कहां से आए हो? बच्चे कहां हैं? भाग कराओ, भाग उनके पास जाओ, एक्टिव रहो, एक्टिव। पापा जी जम्मू से। जम्मू से, ठीक है। कहां से आए? मैं सुल्तानपुर गेट तो आया जी। गेट से पहली बार आए हो? हाँ जी पहली बार। पहले भी प्रभु पे विश्वास करते हैं? हाँ जी। नहीं सर। आ यहां पे आए हो? कितना टाइम हो गया प्रभु में आई? प्रभु जी ना नाल ही जाने नहीं भाई, नाल है जिथे आ जंदे छतर नाल चाहिदा है। मैंने तुझसे पूछा, तुझे प्रभु में आई कितना टाइम हुआ? हो गए दो तीन महीने हो गए। दो तीन महीने हो गए, मैं ये पूछ रहा हूं। हां जी। पहले कहीं और जाते, आज यहां पे आए हो? हां जी, पहले आप भाई नाल ही जंदे जिथे जंदे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं बस पूछ रहा हूं। और आज जो पहली बार आए, ओके, जो आज पहली बार आए, जहां दो महीने में से हैं, जो चार महीने में, छह महीने में, जहां किसी और चर्च से वो आज आए, जहां फर्स्ट बार ही आए, जिन्होंने वो इसलिए यीशु मसीह के पास आए कि हाँ यीशु मसीह चंगा करने वाला प्रभु है, वो काम करता है, कर्ज भी उतार देता है, बरकत भी देता है, और ये भी काम करता है, पता है लोगों को। और जो लोग एक दूसरे को बताते हैं इसलिए वो आते हैं। तो अगर आज कोई तो अगर जो आज पहली बार आए, बोलो के अगर आज वो पहली बार आए तो वो सोचेंगे ये क्या पैक्टो में दे रहे हैं, ये क्या है, एक रोटी का टुकड़ा, एक ये थोड़ी छोटी सी शीशी, ये पियो, ये यीशु मसीह की देह है, ये रोटी है। तो वो अजीब तरह की उसके मन में फीलिंग आएगी। क्या आएगी? अजीब तरह की फीलिंग आएगी उसके मन में, ये तो रोटी का टुकड़ा है, ये बोरे है, ये यीशु की देह है, ये छोटी सी शीशी, इसमें पता नहीं क्या भरा है, और ये यीशु मसीह का ब्लड है। ये किसी मनुष्य की बनाई हुई विधि नहीं है, ना मेरी है, ना किसी इंसान की। अगर आप बुद्धिमान हो तो इन बातों को समझो। जो उसके देह का सहभागी नहीं बन रहा, वो स्वर्ग का अधिकारी कहां से बनेगा? बोलो, आप में से कितने दिल से जो दुनिया की परवाह ना करें, अपने धर्म की परवाह ना करें। हाँ, जैसे संसार में लोग कहते हैं कि लोग कहते हैं ये धर्म बदलते हैं, ये ऐसा करते हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं, वो स्वार्थी हैं, वो कहते हैं कोई बात नहीं, हमने तो काम लेना है। कहते रहो, हम तो उनसे भी हैं, आपके साथ भी और प्रभु के साथ भी, ठीक है कोई बात नहीं, वो दोनों तरफ हैं। और संसार में क्या कहते हैं, दोनों तरफ दो बेड़ियों में। हाँ, ये एक कहानी है, मैं तो इसे समझूंगा ये कहावत है, दो बेड़ियों में पैर रखना, क्योंकि परमेश्वर ने तो एक ही बेड़ी बनाई है, क्योंकि वो एक ही परमेश्वर है, वो दो किस्तियां क्यों बनाएगा, दो रास्ते क्यों बनाएगा, वो है ही एक,
तू एक ही बेड़ी बनाएगा। पर ये संसार की एक कहावत है, मैं फिर भी कहता हूं अगर है तो उसमें रखकर आप आए हो, एक बेड़ी में दूसरी में रख रहे हो तो डूबने वाली बात है। बोलो क्या है? डूबने वाली बात है, डूबने वाली। कितनों को समझ आ रही है? ये मैं क्यों समझाता हूं? मैं नहीं समझाता, जो उसका आत्मा मेरे अंदर वो आपको गाइड करता है, वो आपको समझाता है कि आप समझ जाओ। मैं नहीं हूं, बाइबल लिखा बोलने वाले तुम नहीं, किसका आत्मा है? अगर आप सोचोगे मैं बोल रहा हूं, इसीलिए आत्मिक लोग समझेंगे कि शारीरिक नहीं। लिखा शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की बातों को समझ नहीं सकते। क्या नहीं समझते? वो सोचेंगे ये बोल रहे हैं, ये बनाकर बोल रहे हैं, ये शायद पता नहीं क्यों ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं। अभी समझ आ रही है? ध्यान से समझो, जितने जो नीचे बैठ चुके हैं वो भी मेरी आवाज को, मतलब परमेश्वर की आवाज को ध्यान से समझो। बोलो क्या करो? ध्यान से समझो, ध्यान से, क्योंकि वो समझेंगे कि हाँ ये किसी मनुष्य की विधि नहीं है, किसी इंसान के मन में नहीं आया कि इस रीति को चलाओ, ये स्वर्ग के परमेश्वर की बात है जिसने हाँ इतना बड़ा आकाश। आपको पता साइंस विज्ञान, ये जो सूरज है आपको छोटा सा नजर आता है, कितना नजर आता है सबको? कितना है? हाथ से, हाथ से कितना आता है? इतना सा ना, इतना सा। आपको पता जो विज्ञान है, जो साइंस है, वो कहते हैं जो सूरज है वो धरती से 10 आकार गुना बड़ा है। कितना? 10 आकार गुना बड़ा है सूरज। मैं उस परमेश्वर की बात बता रहा हूं। हेलो, हाथ हिलाओ ताकि आपको समझ आए। मैंने कहा मैं उस परमेश्वर की बात बता रहा हूं, समझ आ रही? जिसने इस सूरज को बनाया, जो साइंस विज्ञान कहती है धरती से 10 आकार गुना बड़ा है। आपको कितना नजर आता है? इतना सा। तारे, जो तारे स्टार्स लिखा, वो उससे भी बड़े, गैलेक्सी मतलब तारे, उससे भी बड़े। बोलो क्या है? तारे सूरज से भी बड़े बड़े, और वो कितने आते हैं? सिर्फ इतने इतने। कितने कितने आते हैं? अभी सोचो वो सूरज से बड़े हैं जो बनाने वाला। हाँ, ये आकाश कितना बड़ा है, अब जो बनाने वाला उसको सोचो। कभी ऐसे आपने कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि आप सोचते हो सिर्फ शरीर को, शरीर की चीज के लेकर, मेरे यहां पे दर्द है, मेरे वो दर्द है, ये रोटी का टुकड़ा है, ये पता नहीं, क्योंकि समझा नहीं, ध्यान से नहीं समझा, इसलिए इतने चमकदार नहीं बने। भूलो क्या है? इतने खुश नहीं, चेहरे पर इतनी खुशी नहीं नजर आई। क्या नहीं आई? जो आनी चाहिए वो खुशी वो आई नहीं नजर। ये किसी मनुष्य की विधि नहीं है। बोलो क्या है? ये किसी मनुष्य की विधि नहीं है कि ये रोटी का टुकड़ा है, ये जीसस ने खुद कहा। हाँ, बोलो क्या है? जीसस ने क्रूस ऊपर जाने से पहले, बोलो, क्रूस पर जाने से पहले ये बात उसने अपने चेलों को बैठ कर कही। हाँ, क्योंकि जीसस इसलिए क्रूस पर, सलीब पर इसलिए गया ताकि वो जगत के पाप को उठा ले। जो आप सब दुख बोलते हो ना, मेरी ये बीमारी, मेरी ये परेशानी, मेरे घर में क्लेश, मेरे पति नशा करता, मेरी ये, मेरी कमर, मेरा घुटना, मेरा सिर, मेरी दाढ़, मेरा ये, मेरा वो, ये एक सिर्फ पाप है। बोलो क्या है? ये सिर्फ एक पाप है, पाप जिससे हम पैदा हुए, जिस चीज से यीशु मसीह हमें नजात देने आया, छुटकारा देने लिए। बोलो क्या है? हमें छुटकारा देने लिए, क्योंकि एक पाप के लिए पवित्र लहू की क्या थी? जरूर थी, जो सिर्फ ओनली फॉर जीसस के अंदर था, किसी और के अंदर नहीं। कितनों को समझ आ रही है? मैंने कहा ये उस पाप से छुटकारा देने के लिए ओनली फॉर जीसस है, उसके अलावा कोई दूसरा नाम नहीं। इसीलिए काश के हेठे लिखा, काश के नीचे हाँ, और पूरी पृथ्वी के मनुष्यों में कोई भी दूसरा नाम नहीं है। क्या नहीं है? कोई दूसरा नाम नहीं परमेश्वर ने दिया, एक ही नाम है जीसस, जिसे लोग धर्म का बोलते हैं, ईसाइयों का बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। कुछ लोग तो बोलते हैं ये धर्म बनाते हैं, ये पैसे देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसे भी बोलते हैं। हाँ बोलो, मुझे बताना, मैं और ये मेरी सारी टीम, हाँ
हम जाएंगे, यहां पे पैसे मिलते हैं, हमें कुछ चीजों की जरूरत है, हम लेकर आएंगे। हाँ, यहां पे पैसे मिलते हैं, हमें कुछ पैसों की जरूरत है, हमें कुछ साउंड की चीजें चाहिए। मैंने अनाउंस किया था ना संडे भी, वीरवार भी, कि हमें कुछ चाहिए। ये सब एक सिर्फ बहकावा है। बोलो क्या है? ये बहकावा है। कुछ लोग बोलते हैं ये झूठियां गवाहियां देते हैं जी, ये ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। देखो, कुछ लोग चंगे हो जाते हैं और बैकस्लाइड होने का कारण वो है। कुछ लोग, आपको पता है, मसीह लोग की जो चंगियाई पाकर वो जब पीछे चले जाते हैं, वो ऐसे लोग भी हैं जो मसीह की बुराई करते हैं। ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे। मैं भी जाता था, वो हो गया सी, क्योंकि उसने सत्य को, उसके सच्चाई को नहीं समझा, इसलिए वो ऐसे करता है। जो समझ गया, अपना सिर भी कलम करने के लिए यीशु के लिए तैयार हो जाएगा। और बताओ, चंगियाई की जरूरत दूर की बात। जिसने इसके सत्य को अच्छे से समझ लिया, वो अपना सिर भी कलम करने के लिए तैयार हो जाएगा। समझ आ रही है? पर लोग मिलेंगे, भलो क्या है, मिलेंगे। पर मैं ये क्यों समझा रहा हूं, ताकि आप समझ जाओ, आप उसकी देह के सहभागी बन सको। हाँ, भलो क्या बन सको? क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस पर जाने से पहले, लोगों के पाप को, दुखों को उठाने से पहले, उसने चेलों के साथ बैठकर ये फंसे भोज किया। क्या किया? ये फंसे भोज किया कि मैं अपना शरीर, बोलो क्या है, मैं अपनी देह इस संसार के लिए देता हूं, मैं अपना ब्लड, मैं अपना लहू इस संसार के लिए बहाता हूं। लिखा, उसने एक रोटी ली, तोड़ी और चेलों को दी और लिखा बांट दी और लिखा ये मेरी देह है। फिर लिखा, एक बिहारी में एक नेम के वाचा का प्याला था, उसे लहू करके उन्हें बोला ये मेरी नेम के वाचा का प्याला है जो मैं संसार के लिए देता हूं। बोलो, उस रोटी को तोड़ा, कहता खाओ, फिर वो नेम के वाचा के प्याले को कहा पियो। अभी आप सोचो, ये किसी मनुष्य की विधि नहीं है, पर कितने लोग हैं जो उसके सहभागी नहीं होते और बैप्टाइज नहीं है, वो होना नहीं चाहते बैप्टाइज। बोलो क्या है? वो बैप्टाइज होना नहीं चाहते। क्यों नहीं होना चाहते? शायद लगता है उन्हें हमारा ये धर्म नहीं है, हम क्यों हुए, हमें तो। देखो, परमेश्वर भी जानता है और शैतान भी जानता है। बोलो क्या है? इससे क्या फायदा? इतने साल रहकर भी आप क्या फायदा? क्यों शर्माते हो उसके नाम से? बोलो, जिसके पास जीवन है। मैं एक सॉन्ग गाता था जीवन के ऊपर, मुझे कैसे था याद है, सॉन्ग ऐसे जीवन के ऊपर ऐसे सॉन्ग था, मुझे याद नहीं आ रहा। नहीं, ये नहीं, ये नहीं है, वो अलग है, कोई बात नहीं, मैं याद आएगा तो फिर मैं बताऊंगा, है ना। तो क्यों जिसके पास जीवन है वो उसकी बातों को क्यों नहीं मानते हम? बोलो, क्यों नहीं मानते हम? अगर नहीं आपको समझ आ रही, जहां आपके मन में कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है, तो मेरे पास आओ, मैं आपको आपके कंफ्यूजन से बाहर निकालूंगा। मुझे खुदा ने क्यों चुना, मुझे क्यों खड़ा किया? आपकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। आपके मन में कोई सवाल है, कुछ ऐसे हैं, कोई कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको दबाती हैं, तो मेरे पास आओ, मैं आपको बताऊंगा, आपकी कंफ्यूजन को दूर करूंगा। यीशु मसीह कौन है? क्यों कंफ्यूजन में जी रहे हो? क्यों अपना समय खराब कर रहे हो? शाइन हो, चमको, आप छोटी हो। आमेन, हालेलुया।